Assalamu alaikum to my all students. I hope you all are fine. Today we are doing hash 78. In hash 78, do and explain exercise A, B, page number 65, and exercise B, page number 65 in copy word. Open your book. We are starting the exercise A. This is page number 65, exercise A. कॉपी द सेंटेंसेज, पुट द कॉमाज इन लिस्ट. यहाँ पर आपके पास कुछ सेंटेंस है, आपको कॉमा लगाना है. और आपको पता है कि कॉमा, एक से ज़्यादा जब चीज़ों की बात होती है हम सेंटर में कॉमा पुट करते हैं. एग्जाम्पल देखें, आदम्स मदर गॉट अ बकेट, सम सॉक्स और शर्ट, सम स्वीट्स एंड अ पेंसिल बॉक्स. अब वो मार्केट के, उन्होंने बकेट भी लिया, सॉक्स भी लिया, शर्ट भी लिया, तो ये सब एक साथ इन्होंने लिया, तो हमने क्या लगाया है यहाँ पर, बीच में कॉमा लगाया है. अब यहाँ पर आपके पास कुछ पिक्चर्स नजर आ रही हैं और नीचे उसके सेंटेंसेस हैं. आपको जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें नजर आएंगी वहाँ पर आप क्या करेंगे, कॉमा पुट करेंगे. इन द शॉप देयर आर पॉट्स, आप यहाँ लगाएंगे, पैंस, डिशेस, स्पून्स, नाइव्स, जग्स एंड ग्लासेस, यहाँ पर आप नहीं लगाएंगे, ठीक है. नंबर टू, इन द शॉप देयर इज सम मिल्क, सम जैम, सम आइसक्रीम एंड सम राइस. ये हो गई हमारी एक्सरसाइज है जो हमें बुक में ही करनी है. अब आ जाते हैं एक्सरसाइज बी पर. यह आपको कॉपी वर्क करनी है, कॉपी में करना है, तो आप प्लीज़ अपनी कॉपी ओपन कर लें. दिस इज़ एक्सरसाइज बी. आप अपनी कॉपी में डेट मेंशन करें जिस डेट पे आप काम करेंगे, यूनिट फोर, और अपना हैश लिखेंगे 78. एक्सरसाइज बी, पेज नंबर 65 की हेडिंग डालेंगे ब्लू कलर से, और ये सब आपको पेंसिल से लिखना है, ठीक है. देयर आर सम जग्स, there are some dishes, there are not any buckets, there is some rice, there is not any cola, there is some milk, there is not any water, there is some jam. ये work आपको copy में करना है, ठीक है. अच्छा, flashback of use of comma, तो आपको पता है कि जो है comma हम कहाँ का use करते हैं, ये आपको मैंने समझाया हुआ है. अपने homework की तरफ आ जाएँ. Learns form of verb, आपको जो मैंने form of verb बताई है ना, वो टेंथ से याद करने तक दी थी, वो आपको लर्न करनी है, ठीक है. और डू प्रैक्टिस एक्सरसाइज ए, पेज नंबर 65. पेज नंबर 65 की एक्सरसाइज ए की प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.